चलिए मैं दीपक सिंह राघवी, जिला अध्यक्ष किसान सभा। आप लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग आज स्थानीय रूप के निवासी हैं सुसवाही के, और हैदराबाद गेट पर दमनकारी मोदी सरकार के खिलाफ SC ST एक्ट का जो उन्होंने अध्यादेश लाया है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, किस बात का विरोध है आपका? ये जो केंद्र सरकार ने किया है ये तो पहले से नियम था। पहले से नियम था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि केंद्र सरकार जनता को छलने का काम कर रही है। राम मंदिर के ऊपर धारा और 370 के ऊपर वो अध्यादेश लाने में विफल रहे हैं। वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से हवाला दे करके बेबस और लाचार बताते हैं, लेकिन SC ST एक्ट के खिलाफ श्रवणों और विषयों को चैलेंज करते हुए 78% जनता के ऊपर तमाचा मारते हुए वो जिस तरीके से लाए हुए हैं, बस उनके लिए यही कहना है कि हम लोग किस प्रकार में जंग करेंगे। कि झगड़ा रहा नहीं है मेरा मस्जिद और मजारों से, लेकिन जंग हमेशा छिड़ी रहेगी संसद के गद्दारों से। राजवीर जी, आप किसान संगठन से हैं और यहाँ छात्रों के मुद्दों को लेकर के सामने आ रहे हैं, और ये SC ST एक्ट कुछ छात्र का मुद्दा नहीं है, ये संपूर्ण हिंदुस्तान के श्रवण ओबीसी समाज का मुद्दा है। और हम किसानों की आवाज़, छात्रों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, हमारा कोई दायरा नहीं बना हुआ है। जहाँ गलत होगा, जहाँ शोषण होगा, वहाँ हम विरोध करेंगे और मजबूती से आज यहाँ किए हैं। अगर एक छोटा आंदोलन हम दिल्ली तक जाएंगे और तो वहाँ पे भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्या बात है! और मोदी योगी सरकार को चिताएंगे कि मरे नहीं हम, मौन है 1919 का पता चल जाएगा केंद्र सरकार को। बिल्कुल 13 रंग से उनको बहुत मतलब मोह था। एक बार उनकी सरकार 13 दिन की, एक बार 13 महीने की। उन्होंने भी जब आरक्षण दिया नौकरी में, वो उनकी सरकार की भी। तो यही खामी आ जाए, यही गलती नरेंद्र मोदी जी ने की है। GST लाए सफल हो गया, नोटबंदी लाए सफल हो गया, लेकिन एक गलती होती है, हर गलती दो गलती गलती ऊपर वाला माफ करता है। हम लोग दो गलती माफ कर चुके हैं, ये तीसरी गलती का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और मोदी की सरकार।